Hello students, how are you done? All good? Okay. So अपना chapter चल रहा था कौन सा? Chapter 7, moving air. तो उसका कुछ part रह गया था जो हमने read नहीं किया था, तो आज हम उसको complete करेंगे. Okay? So let's start. सभी पहले अपनी book open करेंगे. EBS की page number 89. कर लिया? सभी ने? चलिए. मेरे साथ साथ आपको भी रीड करना है. ओके, सो आज हम रीड करेंगे क्या यूजेस ऑफ विंड. ठीक है, कि विंड के क्या क्या यूजेस हैं, विंड को हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है. तो क्या क्या यूजेस है उसके, कुछ यूजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, चलिए. विंड इज वेरी यूजफुल टू अस. विंड क्या है? विंड हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. विंड कीप्स द कूल ऑन हॉट डेज. ठीक है, क्या करती है जो विंड है वो, जो जैसे जब गर्मी के दिन आते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या कर देती है विंड से, वो ठंडा थोड़ा हमें क्या लगता है, ठंडा महसूस होता है. गर्मी के दिनों में हवा चलने से, विंड से हमें थोड़ा ठंडक महसूस होती है, ठंडा लगता है. इट ऑल्सो hangs us fly kite and dry wet clothes. क्या करता है? It also helps us. ये हमें इसके अलावा और भी मदद करती है. किस में? Kite flying. पतंग उड़ाते हो ना सभी, है ना? नहीं उड़ाया? अच्छा होता, उड़ाना चाहिए. तीस पे उड़ते हैं ना, पर kite fly करते हैं, ठीक है, sky में. तो क्या होता है कि it helps us kite flying and ड्राई वेट क्लोथ्स. क्या करती है हमें पतंग उड़ाने में, और जो हमारे गीले कपड़े होते हैं जिनको कि हम बाहर सुखा देते हैं, तो विंड से क्या होते हैं, वो जो गीले कपड़े रहते हैं वो सूख जाते हैं. देखा होगा आप सभी ने, ठीक है, मम्मा कब अपने हमारे क्लोथ्स को वॉश करती हैं और फिर क्या करती हैं, उनको बाहर टंगा देती हैं, एक तार पे या किसी पे भी टंगा देती हैं उसको. जैसे ही हवा चलती है वो धीरे धीरे आफ्टर 1 या 2 आवर्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. विंड हेल्प्स यॉचेस एंड सेल बोट्स सेल ऑन सी एंड ओशन. क्या करती है कि ये जो शिप्स होती हैं, सेल बोट्स होती हैं, क्या करते हैं, उनको हेल्प करती है समुद्र में कि आराम से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के. ठीक है, सेल के क्या, सेल का मतलब ये होता है कि एक जगह से, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाते हैं, तो विंड क्या करती है, उनको हेल्प करती है. अगर अच्छी हवा चल रही है और जो शिप है, ठीक है, बोट जो है वो क्या है, अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या करती है जो विंड है वो उसकी स्पीड को बढ़ा देती है, वो इजीली टाइम से अपने जगह पर पहुंच जाते हैं. इसके अलावा विंड हेल्प द बैक हेल्प्स the back blade of windmill rotate to produce electricity. ये देखो, ये windmill होती है इस टाइप की, लंबा सा ये पाइप सा होता है, ठीक है, होल होता है और उस पर ये ब्लेड्स लगी होती है. तो जैसे ही विंड चलती है, ठीक है, वो इनसे टकराती है, ये ब्लेड्स क्या करती है बेटा, ये ब्लेड्स मूव होती है, ठीक है, और जैसे ही ब्लेड्स मूव होती है ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, बिजली बनाती है, और फिर वो क्या करती है, हमारे घरों तक पहुंचती है और हम यूज करते हैं, हमारे फैन चलते हैं, एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, है ना. तो विंड से भी क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. कैसे? विंड हेल्प्स द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल रोटेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. विंड क्या करती है, इन ब्लेड्स को रोटेट होने में हेल्प करती है, जिससे कि ये क्या करती है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, बिजली बनाती है. ओके, इसके अलावा विंड हेल्प क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द स्काई. आपने बहुत बार देखा होगा कि जब क्लाउड्स होते हैं बहुत सारे स्काई में, तो आपने देखा होगा क्या, हमें वो चलते हुए दिखाई देते हैं, मूव करते हुए दिखाई देते हैं. तो किससे मूव करते हैं, विंड से. जब हवा चलती है, विंड चलती है, तो विंड के साथ साथ वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. तो विंड हेल्प्स क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द स्काई. इसके अलावा नेक्स्ट है, विंड कैरीज सम वैराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस हेल्प न्यू प्लांट ग्रो. विंड क्या करती है, विंड के थ्रू को बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उनके फ्लावर या फिर उनकी लीफ, जिससे भी वो रिप्रोड्यूस होता है, या फिर उसका सीड, जैसे ही
कहीं सोइल में गिर जाते हैं और देन उनसे क्या होता है, नया प्लांट उग जाता है। तो विंड क्या करती है, न्यू प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब जैसे हवा चली तो ट्री से क्या है, उसके फ्लावर्स भी गिरते हैं, लीव्स भी गिरती हैं, और एक ट्री लगा लो अपने फ्लावर से रिप्रोड्यूस होता है। तो फ्लावर जैसे ही फ्लावर नीचे गिरा, वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह गया, वहां जाके उस पर सोइल गिरी, देन वो सोइल में जाके उसको क्या चाहिए, बस एयर वाटर एंड सनलाइट उसको मिलता है, उससे फिर क्या हो जाता है, नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो विंड क्या करती है, विंड हेल्प करती है कि विंड कैरीज सम वैरायटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस हेल्प न्यू प्लांट ग्रो। ये एक प्लांट यानी कि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करती है, उनसे फिर नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कुछ यूजेस हैं विंड के। ठीक है, बहुत सारे हैं, इसमें तो हमने कुछ 4 या 5 यूजेस ही किए, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस हैं विंड के हमारी लाइफ में। ओके, सो आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है। ओके बेटा, बाय बाय।